आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा ग्राम चंदखुरी में 8 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। श्री श्री रविशंकर द्वारा डिजाइन किया हुआ 8 दिवस आवासीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर होता है। ज्यादातर इसमें ग्रामीण बच्चे भाग लेते हैं, जो पढ़ लिख करके आगे क्या किया जाए, कैसे अपने जीवन को रोजगार मुखी बनाया जावे, इसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को लाकर ध्यान साधना प्राणायाम सुदर्शन क्रिया के द्वारा पहले उन्हें मजबूत बनाया जाता है, फिर यही युवा समाज के बीच में जाकर संगठित होकर अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कार्य करते हैं। प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांव के साथ ही उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों से भी प्रतिभागी शामिल हुए। कुल 55 प्रतिभागी 8 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए। एक साथ रहते हुए एक दूसरे को समझते, अपने अनुभव बांटते नजर आए। कार्यक्रम के समन्वयक अजय शुक्ला ने बताया कि आजकल बच्चों में सबसे बड़ी समस्या सुबह उठने की है। बिना मोबाइल के रहना, ध्यान साधना प्राणायाम सीखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन आध्यात्म में वह शक्ति है, एक साथ रहते हुए सब कुछ सिखा देती है। कैसे अपने आप को मजबूत बनाते हुए समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने का हुनर भी सिखाते हैं। अपनी उन्नति के साथ साथ ही गांव में वृक्षारोपण करना, तालाबों की सफाई करना, जन जागरूकता फैलाना इत्यादि इन्हीं युवाओं द्वारा किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य होता है कि ऐसे गांव के ऐसे युवाओं को जो पढ़ लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई दिशा की जरूरत है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को 8 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें ध्यान साधना प्राणायाम सिखाने के बाद वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना करके गांव में जाते हैं, गांव में जा करके प्रैक्टिकल करते हैं, तो ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति को लीडर की जरूरत पड़ती है, जो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा वो आगे बढ़ेगा। तो उनके अंदर लीडरशिप क्षमता डेवलप करने के लिए श्री श्री रविशंकर जी द्वारा डिजाइन किया हुआ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो है कराया गया है। आगामी यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 जुलाई से होगा, और इसमें इस भी जो यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी लोग आकर के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वाराणसी क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से भी लोग कोर्स करने आए थे, कोर्स करके जाके वहाँ पे काम कर जाएंगे काम। अगला यूथ लीडरशिप कार्यक्रम प्रोग्राम 7 जुलाई से चंद्रखुरी में प्रारंभ हो रहा है। इसमें 18 साल से 50 साल तक के महिला पुरुष भाग ले सकते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।